आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नवीन नूर और आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमने पहला चैप्टर जो 10th क्लास की केमिस्ट्री का था, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। आज के इस टॉपिक में हम पहले चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लें। सबसे पहले हम एम सी क्यूज के निशाना लगाएंगे और उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस के पेजेस पर निशान लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को ओपन कर लें, मैं आपको एम सी क्यूज के निशाना लगा दूँ। हमारी बुक में टोटल 13 एम सी क्यूज दिए गए हैं, तो जिनके आंसर पहले एम सी क्यूज का आंसर ए है, दूसरे एम सी क्यूज का आंसर ए है, तीसरे एम सी क्यूज का आंसर डी है, चौथे और पांचवें एम सी क्यूज का आंसर डी है, छठे एम सी क्यूज का आंसर ए है, सातवें और आठवें एम सी क्यूज का जो आंसर है वो डी है, नौवें एम सी क्यूज का आंसर सी है, दसवें एम सी क्यूज का आंसर ए है, आगे 11वां एम सी क्यूज है उसका आंसर डी है, 12वें एम सी क्यूज का आंसर बी है और 13वें एम सी क्यूज का आंसर सी है। स्टूडेंट्स ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों किताबों के ऊपर सेम एम सी क्यूज है जो आपको निशाना लगा दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और उनके निशान लगाते हैं। तो मैं बुक से शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ता हूँ और साथ में आपको जो है पेज नंबर बता दूंगा कि आप बुक पे किस पेज पे निशान है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इररिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। तो बेटा ये उर्दू मीडियम की जो बुक है वहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इंग्लिश मीडियम की बुक पे ये इररिवर्सिबल है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये इसमें फर्क है जिसको आपने जरा तसल्ली से देख लेना है। इंग्लिश मीडियम पे है, व्हाट आर इररिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम, और उर्दू मीडियम पे है ये रिवर्सिबल रिएक्शन और उसकी खसूसियात। तो इसका जो आंसर बेटा वो पेज नंबर 3 उर्दू मीडियम के लिए है और 2 इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये आपको जो है 3 पेज नंबर पे जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसके पहले लाइन के अंदर ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरह इंग्लिश मीडियम का जो दूसरा पेज है उसके भी दूसरे पैराग्राफ के अंदर पहले लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, कैसे कायम होता है? तो बेटा उसका आंसर उर्दू मीडियम के लिए पेज नंबर 5 है और इंग्लिश मीडियम के लिए पेज नंबर 4 है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात क्या है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 उर्दू मीडियम के लिए थ्री है और इंग्लिश मीडियम के लिए पेज 2 पेज का आंसर दिया गया है दूसरे पैराग्राफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेज नंबर 6 लास्ट वाले पैराग्राफ में है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के लिए पेज नंबर 4 वो भी लास्ट वाले लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट व्हाई एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिएक्शन होता है वो क्यों नहीं रुकता, उसकी क्या वजूहत है? तो बेटा इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 इंग्लिश मीडियम के लिए। उर्दू मीडियम के लिए पेज नंबर 7 है और इंग्लिश मीडियम के लिए पेज नंबर 8 पे आपको आंसर मिल जाएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन क्यों नहीं रुकता। अगला बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 6, व्हाई इज इक्विलिब्रियम
स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, किसी भी तरीके से हम इक्विलिब्रियम को कैसे हासिल कर सकते हैं। जो बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, उसके अंदर इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पेज है वो रुबिडियम के लिए 8 है और इंगस्ट्रियम के लिए 6 है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पर आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो रुबिडियम पेज नंबर 8 है वो इंगस्ट्रियम पेज नंबर 6 है। तो बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेडो रिएक्शन, कि एक्टिव मास और रेडो रिएक्शन में क्या ताल्लुक है। तो बेटा वो हमें बताना है। तो यहां पर मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो एक्टिव मास है और रिएक्शन का जो रेट है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां मैंने सिर्फ मेन पॉइंट लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन आपने क्वेश्चन की सीक्वेंस को देखते हुए आंसर की सीक्वेंस भी बनानी है। द मास ऑफ एक्टिव मास, द रिलेशन ऑफ एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा 8 है, उसमें वो हमें बताता है कि ड्राई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कि आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद से अमोनिया बनाना है और उसके बाद उसको आपने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शक्ल में लिखना है। तो बेटा ये जरा लिखने वाला था, जो आपने अपनी कॉपीज के ऊपर या बुक के पेज पे नोट कर लें कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं फिर के रिएक्शन से अमोनिया बनता है। आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट का एक्टिव मास ओवर रिएक्टेंट का एक्टिव मास होता है। तो प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है, हमने अमोनिया का एक्टिव मास ले लिया और रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है तो हमने भी एक्टिव मास को ले लिया और जो अपनी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन होती है वो उसकी पावर बन जाती है। जिनको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शक्ल में लिखना है तो बेटा वो भी लिखा हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहला है हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है उसके एक्टिव मास ऊपर और हाइड्रोजन और आयोडाइड रिएक्टेंट्स हैं और इनके एक्टिव मास को हम डिनोमिनेटर यानी कि मुखरज में नीचे लिखेंगे। इसी तरह जो हमारे पास मीथेन और पानी बन रहा है इक्वेशन में ये प्रोडक्ट है इनके एक्टिव मास को हम ऊपर शुमार के निशान में लिखेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हमारे पास ये रिएक्टेंट है इनको हम एक्टिव मासेस की शक्ल में मुखरिज में लिखेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारा है 10 वो है हाउ द रिएक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, कि हम रिएक्शन की सीमा की पेशगोई कैसे कर सकते हैं। तो उसका आंसर रुबिडियम के लिए बेटा पेज नंबर 15 है और इंगस्ट्रियम के लिए पेज नंबर 12 है। उसके पहले पैराग्राफ के अंदर जो 3 लाइनें हैं वो इसका आंसर होगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप रिएक्शन की डायरेक्शन यानी कि रिएक्शन की सीमा की पेशगोई कैसे कर सकते हैं। आगे बेटा 11वां सवाल है, हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव एन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी केमिकल किसी भी रिएक्शन ने केमिकल इक्विलिब्रियम जो स्टेट है उसको हासिल कर लिया है या अटेन कर लिया है। इसके लिए बेटा पेज नंबर 16 रुबिडियम के लिए है और 11 इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये आप जब देखेंगे तो आपको 3 पॉइंट नजर आएंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है उर्दू और इंग्लिश मीडियम की बुक्स के ऊपर वो इसका आंसर होगा सवाल नंबर 11 का। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस, कि वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो एक ही वक्त में इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। बेटा तो उसका आंसर बाद में का है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है जो फौरन इक्विलिब्रियम की शक्ल में आ जाता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बता दी है, उनको आप उसी से जाकर देख सकते हैं।
जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज पे इफ अ रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी ऑफ अ रिएक्शन इज मोर देन केसी बट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी है और केसी की वैल्यू छोटी है तो रिएक्शन की सिमत क्या होगी। तो इसका आंसर बेटा जो है वो रिवर्स उसकी डायरेक्शन होगी, रिवर्स रिएक्शन के टाइप का, क्योंकि अगर क्वेश्चन की वैल्यू ज्यादा हो और केसी की वैल्यू कम हो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स की शक्ल में दोबारा तब्दील हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पहले चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ और चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। अगर जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो